Divya Sharma, www.myfitnessbeauty.com. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. मैं हूं दिव्या शर्मा. आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि सोयाबीन जो होती है उनको, उस सोयाबीन को कौन, किसको खाना चाहिए और किसको नहीं खाना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसके लॉस हैं इस बारे में. तो आइए जानते हैं सोयाबीन के बारे में. वैसे तो आम आदमी रेगुलर सोयाबीन नहीं खाता. सोयाबीन को वो लोग खाना पसंद करते हैं जो वेजिटेरियन हैं और जो मसल बिल्डिंग करते हैं और बहुत सस्ता प्रोटीन लेना चाहते हैं, वो लोग सोयाबीन ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि सोयाबीन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है. एक चीज़ आपको और बता दूं, जो मेडिकल स्टोर या बाज़ार से बॉडी बिल्डिंग के लिए एनर्जी बूस्ट मिलते हैं उनमें, और जो प्रेगनेंसी टाइम में प्रोटीन दिया जाता है लेडी को, उसमें उन दोनों के अंदर सोयाबीन बहुत ज़्यादा होता है. और एक चीज़ ज़रूर है कि ये मर्दों में, यानी कि मैन में, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम कर देती है. जो मैन हार्मोन होता है मेन, उसको ये कम करती है और एस्ट्रोजन के लेवल को, यानी कि जो फीमेल हार्मोन को, बढ़ा देती है. अब जानते हैं एक और चीज़ कि इसे कम मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. अब देखते हैं कि किसको सोयाबीन खाना चाहिए, यानी कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं. सोयाबीन के कुछ लाभ इस तरह के हैं. ये पुरुषों में हृदय रोग और प्रोस्टेट कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों की रोकथाम करती है, यानी उससे हमें बचाती है. इसीलिए आपको सोयाबीन ज़रूर खानी चाहिए. लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप एक वीक के अंदर 2 से 3 बार ही सोयाबीन खाएं, यानी कि रेगुलर सोयाबीन नहीं खाएं. एक दिन का गैप करके सोयाबीन खाएं. एक वीक में 3 बार सोयाबीन आप खा सकते हैं. सोयाबीन को कंज्यूम डायबिटीज़ पेशेंट के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया है. इसके अलावा जो भी 30 साल से ज़्यादा उम्र की लेडी होती हैं उनमें कैल्शियम और प्रोटीन की कमी हो जाती है, उनको सोयाबीन ज़रूर खानी चाहिए. इसके अलावा जो लोग अपना वजन गेन करना चाहते हैं उन्हें सोयाबीन, जो एक तो सब्जी बनाई जाती है, एक सोयाबीन के बीन्स आते हैं, वो अंकुरित करके ज़रूर खाने चाहिए. चाहे आप सोयाबीन का दूध पिए, उसका पनीर खाएं, कैसे भी कंज्यूम करें, जो भी अपना वेट गेन करना चाहते हैं वो सोयाबीन ज़रूर लें. अब अपने जानते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें सोयाबीन नहीं खानी चाहिए. जो भी मैन, यानी कि आदमी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, वो सोयाबीन को कंज्यूम बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि ये मर्दों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम करती है और एस्ट्रोस्टेरोन, यानी कि फीमेल हार्मोन को बढ़ा देती है. एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाती है और टेस्टोस्टेरोन को कम करती है. इसीलिए फैमिली प्लानिंग करते टाइम, यानी जिस दौरान आप कर रहे हैं, तब ये सोयाबीन किसी भी टाइप से कंज्यूम नहीं करें. सिर्फ इसका यही नुकसान है और उसी टाइम इसे आप नहीं खा सकते. उसके अलावा आप प्रोटीन लेने के लिए उन समय क्या खा सकते हैं जब आप इस प्रोटीन को, यानी कि सोयाबीन को छोड़ रहे हैं, तो आप इसके बदले में दूध, पनीर, ग्रीन दालें आती हैं, मूंग दाल, मशरूम, नट्स, इनका सेवन करें. और इसके साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेजिटेरियन फूड खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं. अंडा प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, बहुत अच्छा सोर्स है, आप उसे भी कंज्यूम कर सकते हैं. आज मैंने आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में नॉलेज दी है जिसे सोयाबीन कहा जाता है. इस सोयाबीन टोफूज भी आते हैं, सोयाबीन का दूध भी आता है, सोयाबीन ऑयल भी आते हैं. तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें. जो भी मैन फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो नहीं खाएं, लेकिन जो वेट गेन करना चाहते हैं या फिर
बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं वो बड़ी आसानी से सोयाबीन को कंज्यूम कर सकते हैं। अगर वो 30 से नीचे हैं, यानी 35 से एज नीचे हैं, तो वो बड़ी आराम से सोयाबीन ले सकते हैं, एक दिन में एक बार या फिर एक दिन छोड़कर, यानी कि हफ्ते में 3 बार। क्योंकि ये जिस टाइम 35 से नीचे वाली एज होती है मैन में, तो उस टाइम उनके जो मैन हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको इस बारे में भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस टाइम नहीं लेना वो टाइम ज़रूरी है, उस टाइम आप सोयाबीन को अवॉइड ही करें। ये थी इन्फॉर्मेशन सोयाबीन के बारे में, आपको कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, सोयाबीन को कम क्वांटिटी में ही लें, क्योंकि इसे लेने से वेट गेन ज़्यादा होता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।